आज हम बनाएंगे बॉम्बे का फेमस स्ट्रीट फूड मिसल पाव, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और स्पाइसी होता है और इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। तो आइए हम बनाते हैं मिसल पाव। तो हमने मोट को पहले से ही अंकुरित करके रख लिया है। हमने अंकुरित कैसे करा है वो जान लेते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो मोट को 8 से 10 घंटे पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद में उसको हमने एक कपड़े में बांध दिया और उसे भी हम 5 से 6 घंटे रख देंगे, तो जिससे ये इस तरीके से जो है मोट अंकुरित हो जाएंगे। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है अंकुरित मोट को बॉईल कर लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे इसमें हम, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे। तो अब हम जो है इसको 1 से 2 सीटी देके पका लेंगे। ये भीगे हुए थे इसलिए हम जो है 1 से 2 सीटी में ही बॉईल हो जाएंगे। तो अब हम जो है इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाला रेडी करने के लिए हमने जो है यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है। ऑयल थोड़ा क्वांटिटी में एक्स्ट्रा लेना है। तो अब हम इसमें राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब इसमें हम जो है ग्रेटेड अदरक डालेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे प्याज जो है फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें जो है बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम जो है बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमें ध्यान से डालना होगा क्योंकि हमने जो है मोट को बॉईल किया था तो उसमें भी हमने नमक का यूज़ किया था, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें नमक की क्वांटिटी रखनी है। तो इसे थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे जिससे जो है टमाटर हमारे मैश हो जाएंगे। तो 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें जो है हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो हमारा मसाला पक जाने के बाद में अब इसमें हम जो है 2 टेबल स्पून नारियल का बूरा डालेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला पक गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है और ऑयल भी जो है अलग हो गया है। अब जो है इसमें हम बॉयल किए हुए मोट डाल देंगे और इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें जो है हम पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है क्योंकि ये रसेदार होता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको जो है रसेदार बना दिया है। तो अब इसमें हम जो है गरम मसाला डालेंगे, 1 गुड़ का टुकड़ा डालेंगे। गुड़ का टुकड़ा इसलिए डाला गया है ताकि जो है इसके तीखेपन को कम कर दें। और अब हम जो है इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 से 7 मिनट पका लेने के बाद में अब इसमें हम जो है नींबू का रस डालेंगे। तो ये देखिए हमारा मिसल रेडी है। तो आइए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो अब जो है हम इस मिसल को सर्व कर लेते हैं। रसा भी डालना है हमको। अब इसके बाद में जो है हम नमकीन डालेंगे। हमने मिक्सचर नमकीन ली है वो डालेंगे, बारीक सेव डालेंगे, बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, तो इसके लिए पाव हमने पहले से ही रेडी कर लिए थे। तो देखिए हमारे मिसल पाव रेडी है और ये बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।